हेलो एवरीवन, दिस इज स्माइल एंड यू वाचिंग मिस्टर शेख व्लॉग्स। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ और अभी मैं हूँ अपनी पार्किंग में। ये देख सकते हो, ये मेरा स्टूडियो है। ये मैंने एक छोटा सा सेटअप यहाँ पर बनाया है और ये सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। आज मैं यहाँ क्यों आया उसकी वजह मैं बताऊँगा, क्योंकि जो मेरे पीछे जो खड़ी है मेरी बादल, अपनी जो बादल है उसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बादल का इंजन में से गाड़ी क्या बोलेंगे इसको, बादल का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी एक सेकंड देखते हैं ऑयल है कि नहीं। देखो ऑयल भी है गाड़ी में, देख सकते हो ऑयल वगैरह है, पर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये लोग हमारे एरिया में भी नहीं, बाहर पार्क किया साला, चावल वावल फेंक दिए ऊपर से। कैसे लोग है यार, अब फिर साफ करना पड़ेगा मेरे को। तो बहुत दिमाग मेरा इस वजह से स्ट्रेस में है, क्योंकि बादल ख़राब होना मतलब राइड का थोड़ा टूटना, और एमटी भी ख़राब हो चुकी है। एमटी का थ्रोटल बॉडी पूरा डाउन है, इंजेक्टर भी डाउन है, तो भी इसको भी अभी जस्ट छोड़ के आ रहा हूँ ताकि वो बन जाए। कुछ तो राइड के लिए गाड़ी रहे मेरे पास, तो एमटी को छोड़ दिया है। डोमिनार की भी बैंड बजी पड़ी है, एक्चुअली उसका एक छोटा सा ही प्रॉब्लम है डोमिनार का, पर रिस्क ले नहीं ले सकते अपन। इसी वजह से सारा जैकेट वगैरह इधर ही पड़ा है काफ़ी दिनों से, ग्लव्स भी ऐसे सब पड़ा हुआ है, हेलमेट भी ऐसे पड़ा हुआ है, और गोप्रो का है वही गोप्रो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो फिलहाल ये स्टूडियो में मैंने अपना पिछला व्लॉग शूट किया था यहाँ पर खड़े रह के, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वैसे लाइटिंग वगैरह भी मैंने काफ़ी अच्छे से मैंने सेट किया है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत लाइटिंग पर और काम करेंगे हम, बाकी ओवरऑल मैंने एक अच्छा स्टूडियो तैयार कर लिया है अभी तक। ये देखो ये रही अपनी डोमिनार, डोमिनार को ओपन किया जाए। ये देखो वॉश करके इसको ऐसे ही ढक के रख दिया मैंने, और इसका सीन है ये देखो, ये ऑयल दिख रहा है सारा आ रहा है। ये गियर इसके अंदर जो गियर जो घूमता है डायल, जिस पे चेन घूमती है, उसका ऑयल फ्यूज जाने की वजह से वहाँ से ऑयल पूरा लीकेज हो रहा है, पूरा ड्रेन हो रहा है। कहीं डैमेज नहीं है, बस इस इधर से ऑयल निकल रहा, लीकेज हो रहा है। ये इसी में से आ रहा है पूरा, ये जो घूमता है आगे का, इसका ऑयल पूरा ऐसा ड्रेन हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। ये अपनी इग्नाइटर, इसको बाद में बनाएंगे, कवर डाल देता हूँ। तो आज का व्लॉग में मैंने भी एक चैलेंज दिया है कि 30 डेज़ पूरा ब्लॉग डालना है मुझे, तो 30 डेज़ में डेली व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगा। आई होप इसमें मैं मिस ना हूँ तो बढ़िया है, क्योंकि सब एडिटिंग में सब में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें देखना पड़ता है क्या मिस हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। और दूसरा रही बात यह कि सुबह उठते ही ऐसा लगता है अब मैं क्या बनाऊँ, क्या होगा आज का कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो मैं भी सोच लिया जो मुझे दिखेगा मेरे लाइफ में, जो डेली लाइफ में जो होगा वो डालेंगे अपन, ज़्यादा घिचमिड़ नहीं रखेंगे, बनाते हैं डेली ब्लॉग्स। तो अभी क्या करेंगे, ये कपड़ा जो है इसको चेंज करके आएंगे, क्योंकि जो कपड़ा है बहुत अच्छा है, पुकड़ में गंदा हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, माँ की गाली सुनना पड़ेगा। धो डालेंगे मेरे को, कपड़े की जगह पर मैं धुल जाऊँगा। सो मिलते हैं कपड़ा चेंज करने के बाद, कुछ सोचते डिज़ाइन इस जगह के लिए, अच्छा बेहतरीन डिज़ाइन सोचते और करते कुछ शूट। ओके गाइस, अभी चेंज कर लिए अपन ने, और एक प्रॉब्लम था मेरे हेलमेट में, गैप आ गए थे, क्योंकि सारे पैडिंग है ना जो काफ़ी टाइम से पहनने की वजह से दब चुके थे। सो अभी मैंने क्या किया है, ये मैंने फॉर्म ख़रीदा है, देख सकते हो ये फॉर्म 200 रुपये के आसपास कुछ आया है वो फॉर्म का टुकड़ा, और ये मेरे हेलमेट के पैडिंग है, देखो उसमें मैंने लगा दिया है। देखो पुराना वाला पैडिंग इतना सा ही था, बहुत छोटा था, और पूरा दब दब के और छोटा हो गया, इसको भी मैंने ऐड किया, और ये साथ ही साथ में इसका एक थोड़ा सा टुकड़ा भी ऐड किया है। देखो उसका साइज़ भी गेन हो गया है, मैं दिखाऊंगा पेन के कैसा लग रहा है। अभी इसकी सिलाई चल रही है, टेम्पररी सिलाई करके मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, जुगाड़ पे अपनी ज़िंदगी कायम है गॉस। ये काम करते हैं फिनिश अभी हम लोग, फिर नीचे पार्किंग में जाके बाकी का काम, पार्किंग का अपना स्टूडियो जो अपना है उसको सेटअप करते हैं अच्छे से। तो देखो गाइज, अभी हो गया अपना पैडिंग का सेटअप, अभी ठीक लग रहा है, अभी देखो हिल भी नहीं रहा ना, खाना नहीं खाया मैं, दोपहर का लंच नहीं किया, तो अभी दोपहर का लंच बनाना पड़ेगा। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ बटर, क्योंकि बना रहे हम लोग पाव भाजी, ये मैश करेंगे पाव भाजी, तो बटर डाल दिया है, ये इसका भाजी
ज्यादा खाएंगे नहीं। तो ये खाना बनाना काफी खतरनाक काम। हेड्स ऑफ टू ऑल मॉम्स। तभी क्या करेंगे, फटाफट नहा धो लेंगे, नहा के सीधा पार्किंग में जाएंगे या पार्किंग में काम करने के बाद नहाएंगे, चाय पियेंगे, चाय की चुस्की लेंगे और निकलेंगे आगे के काम के लिए। मतलब मेरी बाइक बनेगी ना तो मेरे को बहुत अच्छा है, मेरी बाइक नहीं बनेगी तो फिर मेरे लिए बहुत टेंशन है, मेरा दिमाग भी काम करता है फिर, तो बाइक राइड बहुत जरूरी है। तो क्या है, अभी ये जो बर्तन निकले हुए इनको भी धुलना बाकी है, तो इसको धुलेंगे रात में, अभी नहीं धुलना है। इधर ही चाय के लिए अपने को चाहिए कप, ये अपना कप, कप तैयार है। पार्किंग में स्टूडियो का जो काम होगा वो कल करेंगे, आज नहीं कर पाऊंगा मैं, अभी फ्रेश हो जाऊंगा नहा धो के। ये जो तुतलेस है, तुतलेस अरे तू, तो हमारी तुतलेस की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको दवा डालना है मुझे, बट इसको दवा डालना ना बहुत टफ है, है ना तुतु, तुझको दवा डालना बहुत टफ है ना, जल्दी हाथ में नहीं आती है, बट इस कोशिश करते अपन। तुतु भारी पड़ गया था मेरे को उस टाइम पे इसको दवा पिलाना, बट फाइनली मैंने पिला दिया है, अब कोई टेंशन नहीं। इसको एक्चुअली सर्दी वगैरह हुई थी तो हमारे पास दवा थी, तो 0.5 मैंने इसको पिला दिए। दैट्स इट। चलो अभी चलते नीचे पार्किंग में और फटाफट KTM को धुलते, क्योंकि आज शाम को जाने वाली है बनने। किसी ने ना पार्किंग में मतलब बाहर जो खड़ी थी दिखा था आपको। अभी बज रहा है 8, अभी 8 बजे बन रहा है खाना, तो हमारे एरिया हम में लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए खाना नहीं बन रहा है एक्चुअली, हमारे पूरे सोसाइटी में जो आजू बाजू एरिया में जो डॉग्स है ना, डॉग्स और कैट, उन लोगों को खाना डालता हूँ मैं, ये टाइम से चालू होता है बनना, वो बनते बनते 12-1 बज जाते हैं, 12-1 बजे तक मैं खाना देता हूँ, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा अभी, और उसके बाद में टाइम मिला तो अपन जाएंगे शॉर्मा वर्मा कुछ खाते हैं, तो लेके आ जाऊंगा नहीं तो नवाज लेके आ जाएगा और रात में अपन खाएंगे। वैसे कल सुबह कुछ अलग वीडियो करेंगे, क्योंकि कल अभी रात में अपनी KTM भी भेजना है मेरे को, आज जिम के लिए एक सामान आने वाला है, वो सामान को हमको उतारना है और उसमें उसी टेम्पो में मुझे और हमारा एक दिल का एक टुकड़ा जाने वाला है, वो भी बन के आ जाएगा थोड़ी, मतलब उसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसका स्टोरी मैं बताऊंगा खराब कैसे हुई ये, और किया किसने, मेरे पे बिल फाड़ेगा पर मुझे पता है मैंने नहीं किया, इसको भी पता है मेरे पे बिल फाड़ेगा पर ऐसा है नहीं, तेरे हाथ पे बंद हुआ ना एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे लॉकडाउन में, यही था वो और अभी भी बंद हुई तो यही है वो क्या करें नसीब। KTM बोलती मैं इसके पास जाऊंगी ही नहीं, ये एमटी वाला बंदा है, एमटी इसकी गाड़ी है एक्चुअली, एमटी इसकी गाड़ी है, मैं सारी गाड़ी मेरी है, ये लोग सिर्फ चलाने देता हूं, मैं लोगों को दे देता हूं, मतलब जा जी। तो अभी देखो अभी ये KTM को क्या करेंगे, आज टेम्पो में चला देंगे, और जो सामान आ रहा है ना अपने जिम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सामान है और बहुत अच्छा है, इसको भी टेस्ट कर लेंगे, लगा के चेक कर लेते क्या है कैसा चलता है, पूरा रिसर्च कर लेंगे उसका, पर देख लेना कि क्या आने वाला है, इतनी अच्छी चीज आने वाली है ना, बहुत हम लोग के लिए बहुत यूजफुल चीज है, क्योंकि हम लोग तो क्या है ना दोस्तों, अभी अपना चावल जो है वो तैयार हो चुका है, ये रहा चावल देखो, अरे मेरा हाथ तो गया रे बाबा, तो ये चावल को हम डालेंगे डब्बे में, और इसमें कितनी सामग्री जाती है सामग्री इसके हम बताएंगे आपको, इसमें हम डाल रहे हैं चावल, तो इसमें ना चिकन भी मिक्स है, चिकन का जो लेग्स होता है, हेड होता है, वो सब मिक्स है, उसको बॉईल किया हुआ है और उसको मैंने अभी इसमें डाल के ये मैशिंग चल रहा है, इसमें चावल जो अभी हमने बनाया था वो भी ऐड हो गया है, तो देखो 2 बाल्टी तैयार हो चुकी है, क्योंकि डॉग्स बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से कम पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना हो सके उतना बेहतर है, बट इस लोग स्मैश करने बहुत अजीब लगता है मेरे को, ये अपना काम हो गया है, काम खत्म। ब्राउनी के बारे में बोलना थोड़ा, वो कैसा बैठी है भूख के मारे, ये देखो कैसा वेट कर रही है अभी, इसको मालूम है टाइमिंग हो चुका है, अब इसको देना पड़ेगा थोड़ा खाना, अदरवाइज मेरा जीना हराम कर देगी। और ये है मम्मी ने इसके लिए स्पेशली एक गद्दा बनाया है ताकि वो आराम से सोए ठंडी या गर्मी कोई भी हो कौन से ही मौसम में, और इसके लिए खाने के लिए भी देखे,
इसके अंदर चावल, दूध और मुर्गी के पैर होते हैं और शायद से मुंडी होती है मुर्गी की, जो वेस्ट रहता है, जो वेस्ट माल जो होता है मुर्गियों का, वो यहाँ पे हम लोग लेके परचेस करके फिर यहाँ पे लोग के साथ सब बनाते हैं यहाँ पे, और वो चीप प्राइस में मिल जाता है हम लोग को ज़्यादा ही क्वांटिटी में, और इन लोग के लिए तो भाई चलता ही है सब चीज़। साला किसी ने खाना फेंक दिया ऊपर से, देखो अपनी KTM की हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत में है अपनी KTM भाई साहब, बहुत बुरी हालत में, इसको बनाने देने का अभी, अपनी साइकिल की भी बुरी हालत है, सब बुरी हालत है। देखो गाइस यहाँ चल रहा है अभी खाना, तो अपने पार्किंग में अभी तीन है, ये मम्मा मोनी है, ये दो बच्चे, एक है उसमें बिजली, एक जिगी, जिगी बहुत कमी नहीं है, बिजली को खाने नहीं देती है, जिगी तेरा खाना उधर है ना, चल तेरी भैंस की आँख। ये है अपनी इस तरीके की पार्किंग, अभी स्कूटी पे बंदर है, बाकी जैसे जैसे सब बन जाएगी ना सब अंदर डाल दूंगा एक एक करके, और अपना छोटा मोटा एक्सरसाइज का एरिया। चालू है वीडियो, चालू चलो। और वो राजा है उधर पे, मोती मोती ने बाल्टी छीनेगा देख रहे थे, ये वाला नहीं लू, बुलडॉग वाला किधर गया वो, थोड़ा ज़्यादा डालो बड़े वाले में, बड़े वाले में थोड़ा ज़्यादा डालना, नहीं एक बाल्टी एक डब्बा छोड़ना। डेली का ये हमारा रूट होता है, हर रोज़ शाम को मुझे, या तो जैसे कि आज नमाज की छुट्टी है तो यही सैटरडे संडे मेरे को मिलता है रात अपनी की गाने के लिए, वो माइक है ना उस पर हाथ रखा गया मेरा आवाज़ नहीं था। तो ये है हर रोज़ हर रात में मेरा ये रूट रहता है 10 से 12 के बीच में, तो आज नमाज की छुट्टी है तो ये मेरा एक फ्री टाइम रहता है कि इस वक्त पे नमाज डाल सकता है, अदरवाइज़ बाकी कोई नहीं डाल सकता खाना सिवाय मेरे, क्योंकि अम्मी अकेले पड़ जाते हैं वो नहीं डाल पाते, तो ये हर शाम का रहता है वक्त मेरा। आई होप समझ सकते हो सब दोस्त लोग कि मैं रात में क्यों नहीं कहीं टाइम दे पाता, यही वजह है अपनी। चलो चलते, अभी अपना काम हो गया, खाना दे दिए मेरे को। किधर मस्त ना मकड़ी, उसको बचा लेते हैं, पकड़ो मारने ले, कैसा दिख कैसा दिख, अटैक की ले देख, अटैक की ले कैसे कर रही देखो, अभी साफ हो गई, इसमें बैटरी लगाएंगे, इसकी बैटरी निकाल के रखा हूँ, तो बैटरी लगा देंगे, इसको पहुँचा देंगे अपन, टेम्पो आ रही है, टेम्पो में एक चीज़ आ रही है उसको भी रखना है इधर, और इसको पहुँचाना है उसमें। मोहसिन भाई लेके आ रहे टेम्पो आपने को, देखो बैटरी लग गई है डॉमो KTM की, अभी अपना साफ सफाई कर इसको चालू करके देखते हैं कुछ। ओह बैठे हैं वीडियो बना, ठीक है न्यूट्रल कर दिया मैंने,
नहीं हो रही, बैटरी है कम, 11 वोल्ट से कैंसिल। तो अभी हम लोग ने इस तरफ वो चीज़ के लिए जगह बना ली, वो मशीन आने वाली है तो उसकी जगह यहाँ बना दी है इस साइड, और इधर की मशीन को हम लोग कर दी यहाँ पर। तो इधर तो गाइस देखो यहाँ पे मशीन हम लोग की आ चुकी है आज। अब इसको थोड़ा बिल्ड करेंगे, कल शायद से बिल्ड करेंगे क्योंकि वायरिंग का थोड़ा है अभी, एक रात के एक बज गए तो टाइम हो जाएगा अभी। और ये और इसको आज बाय बाय करेंगे हम लोग, आज जाएगी बनने के लिए। और ये खुले आम देखो भाई अभी पूरा सामान है यहाँ पर, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये साइड बांध होगा, ये साइड गाड़ी रहेगी और ये बूनी इस साइड रहेगी, तो इसके अगर कुछ उठती उठती की तो टेंशन नहीं है, बड़े दिक्कत से लेके जाना पड़ेगा आज, इमरजेंसी में पहुँचा रही गाड़ी। ऐसा टाइट बांध के ना हिले ही नहीं गाड़ी, समझ जा तेरी गाड़ी पार उधर जा रही है, दूर जा रही है, तू पार्सल लेने जाएगा बाद में। कुरियर हो रही है तेरी गाड़ी। इंडिया मिरर निकाल दे ना इसमें भाई। हाँ मिरर निकाल दे ना, मिरर साइड मिरर निकाल दो, मिरर साइड मिरर निकाल देगा तो अच्छा रहेगा ना, टूटने का डर नहीं। अगर रस्सी कम है निकलेगी नहीं, ये छोटी वाली भी बांध देता मैं, बांध दे नहीं ना वो शटर वाला है ना, ये तो यही लगा देते थे, मजबूत है रस्सी यार, पहले बोलते ऐसे रस्सी लेके आया तुझे, रस्सी को बोलते वही ना दो पट्टा था, एक पट्टा मेरी गाड़ी पे, इसके पीछे एक गाड़ी, उसके पीछे एक और गाड़ी, ऐसा बांधे हुए थे हम लोग, और मेरी गाड़ी चालू थी। कौन है डबल बांध रहा है? थोड़ा नजदीक ले लेना गाड़ी को, गाड़ी दूर है। तो भाई देखो ऐसा बांध दिया हम लोग, टेम्पररी जा रहा है, गोलियां रख दी, कुछ होगा तो भी काम हो जाएगा अपना। चलो क्या हुआ कंटिन्यू, हाँ थोड़ा और बड़ा चाहिए मेरे को खड्डा, ठीक है हाँ, और थोड़ा हाँ ये गहरा कर रही है, गहरा नहीं चाहिए, थोड़ा साइड में बड़ा चौड़ा कर।